नमस्ते, मैं शैलेश पटेल, नेचुरोथेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट। मेरे जय माता जी दाप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें निसर्गोपचार, ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, तंत्र, यंत्र, विज्ञान जैसी प्राचीन विद्याओं पर संशोधन, अध्ययन, उपयोग करके हमारे जीवन में आने वाली शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी कष्ट, पीड़ा हो, तकलीफ हो, उसको कैसे दूर कर सकते हैं और दूर करके हम सफलतापूर्वक जीवन कैसे जी सकते हैं, उसकी माहिती जो मुझे प्राप्त है, ज्ञान मुझे प्राप्त है, उसके वीडियोस मैं मेरे चैनल्स पे अपलोड करते रहूँगा। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, ज़रूरी आपको मेरे ज्ञान नॉलेज का फ़ायदा होगा और आप भी जीवन में मनोकामना पूर्ण करके सफलतापूर्वक जीवन जी सकते हैं। आज हमारा एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति भाग 5वां है। पिछले 4 भाग में हमने एक्यूप्रेशर उपचार पद्धतियों के बिंदुएँ कहाँ कहाँ पे है और कौन से अवस्थित संबंधित उसके बारे में जाना। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के साधारण नियम क्या है और उपचार किस तरह से किया जाता है। हालांकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के कोई नियम है नहीं, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ हमारे शरीर की जो चैतन्य शक्ति का विद्युत प्रवाह है, उसको हमारे शरीर में बराबर से कार्यरत रखने की जो प्रक्रिया है, उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं, जिसमें हम निश्चित बिंदुओं पे प्रेशर देके हमारे विद्युत प्रवाह को बराबर से शरीर में कार्यरत रखते हैं। अभी हमें सिर्फ जानना है कि हमारे एक्यूप्रेशर पद्धति में जो प्रेशर देने की पद्धति है, वो किस तरह से और कैसे दी जाती है। अभी जैसे हमारा समझो, ये हमने पिछले वीडियो में देखा कि हाथ के पंजों में 38 बिंदुएँ यहाँ पे है और पीछे के भाग में बिंदुएँ हैं। उसमें से अगर समझो ये एक नंबर का बिंदु है, एक नंबर के बिंदु पर आपको प्रेशर देना है। आप प्रेशर देते हो या तो ये आपकी एक नंबर की उंगली का उपयोग कर सकते हो या अंगूठे का उपयोग कर सकते हो, या तो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो जिसमें धार नहीं हो, जिसका टोक नहीं होना चाहिए, गोलाकार आकार का जो भी साधन रहेगा, या पेंसिल ले सकते हो, पेन ले सकते हो, या लकड़ी का कोई भी टुकड़ा जिससे आप प्रेशर दे सको। सबसे बेहतर है हमारे हाथ की उंगलियों का उपयोग करके आप प्रेशर देंगे तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है। अभी जैसे अभी एक नंबर का बिंदु ये जो है, इसमें आप ये यहाँ से प्रेशर देंगे तो आपको प्रेशर कैसे देना है कि थोड़ा सा प्रेशर देना है जिससे प्रेशर का एहसास हो। कोई ज़ोर से प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ोर से प्रेशर देंगे तो हमारे ये जो स्विच बोर्ड है बिंदु, उसको नुकसान होने की संभावनाएँ बढ़ती है। तो नुकसान न हो करके सिर्फ एहसास हो उतना आपको प्रेशर देना है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रेशर देने के बाद में समझो ये बिंदु पे आपको दर्द का एहसास होता है, तो समझने का कि ये एक नंबर का बिंदु जो अवयव से संबंधित है, यानी ये एक नंबर का बिंदु हमारा मस्तिष्क मगज से संबंध रखता है, तो मस्तिष्क मगज में हमारे विद्युत प्रवाह का जो प्रवाह है वो बराबर से पहुंच नहीं रहा है और वहाँ पर हमें कुछ तो तकलीफ है, वो ही हम यहाँ पर दर्द होगा तो समझ में आता है। तो यहाँ पर आप प्रेशर दे के उपचार करते रहेंगे, जब ही यहाँ पे दुखना बंद होगा, ये बिंदु पे प्रेशर देंगे और दर्द नहीं होगा, तो समझ लेना है कि हमारा मस्तिष्क मगज का जो भी कार्य क्षमता है, जो कार्य बराबर से नहीं हो रहा था, वो बराबर से हो रहा है और मगज मस्तिष्क की तकलीफ दूर हो गई। वैसे ही बाकी के बिंदुओं के ऊपर भी आप देख के समझ सकते हो, और बिंदु है कौन से अवस्थे संबंधित है, बिंदु कहाँ पर कैसे है, वो हमारे पिछले वीडियो में मैंने बताया। नहीं समझ आए तो बार बार वो वीडियो देखिए और वीडियो देख के आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरी किताब है, किताब पढ़िए आप। किताब आपको अगर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना एड्रेस, मैं आपको किताब भिजवाने की कोशिश करूँगा। किताब का कोई मूल्य नहीं है, निःशुल्क है। सिर्फ आपको वहाँ पे जो पहुँचाने की जो खर्चा होगा, यानी कुरियर का या पोस्ट का, वो खर्चे की भुगतान आपको करनी होगी। हमारे शरीर के दो मुख्य हिस्से हैं, दाया हिस्सा और बाया हिस्सा। शरीर के दाएं हिस्से में अंग के अवयव में तकलीफ या दर्द होगा तो दाएं हाथ के पंजे या तो पैर के तलवों के बिंदुओं पर उपचार करना है। वैसे ही शरीर के बाएं हिस्से में तकलीफ होगी तो बाएं हाथ के पंजे और पैर के तलों में उपचार करना रहता है। इसके अलावा शरीर के और दो उप विभाग हैं, हिस्से बनाए गए, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा। शरीर के पिछले हिस्से में करोड़रज्जु यानी बैकबोन, ज्ञान तंतु, ये कमर, साइटिका, नर्व्स, जांग आदि है। इसके लिए हाथ के पंजों के पीछे, यानी ये बैक साइड में जो चार्ट में दिखाया है, पीछे के साइड में प्रेशर देके उपचार किया जाता है।
और पैर के ऊपर के भाग में, उसका भी मैं आपको फोटो भेजूंगा, वो देख लेना, ऊपर प्रेशर देना है। बाकी सब अवयव और अंतस्रावी ग्रंथियों के लिए हाथों के पंजों यानी ये पंजों में और पैर के तलवों के बिंदुओं में उपचार करना रहता है। अब जानेंगे कितना समय प्रेशर देना है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में। कोई भी रोग या अवयव की खराबी के लिए हाथ के पंजों के बिंदुओं पे दिन में 3 बार 1 से 2 मिनट तक प्रेशर देना है और पैर के तलवों में 5 मिनट तक प्रेशर दे सकते हैं। जब तक अवयव के निश्चित बिंदु पर दुखना बंद नहीं होता तब तक प्रेशर का उपचार चालू रखना है। यानी समझो कोई बिंदु पे आपको समझो 1 नंबर के बिंदु पे प्रेशर देना है, उपचार करना है, तो दिन में 2 से 3 बार, 3 बार से ज़्यादा इस पर उपचार नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे प्रेशर करना है। पैर के तलवों की चमड़ी थोड़ी थिक जाड़ी होती है तो वहाँ पे आप 5 मिनट तक का प्रेशर दे सकते हो। सभी बिंदुओं पे उपचार करने का रहेगा तो 1 से 30 गिनती करके उपचार करना है, और अगर स्पेशल विशेष कोई अवयव से संबंधित बिंदुओं पे उपचार करने का रहेगा तो उस बिंदुओं पे 1 मिनट से 2 मिनट या तलवों में रहेगा तो 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उपचार करना है। जैसे कि अब ये हमारा समझो 23 नंबर का बिंदु है, ये लीवर से संबंधित बिंदु है। अगर यहाँ पे हमारे लीवर में कुछ तकलीफ है तो ये बिंदु पे आप प्रेशर देंगे, ये उंगली से जैसे मैं प्रेशर दे रहा हूँ वैसे प्रेशर देंगे तो यहाँ पे दर्द होगा। तो जब तक यहाँ पे दर्द दूर नहीं होता तब तक आपको दिन में स्पेशल ए बिंदु पे 3 बार यानी सभी बिंदुओं पे उपचार करने के अलावा 3 बार इस बिंदु पे उपचार करना है 1 मिनट तक, या तो मैक्सिमम 2 मिनट तक आपको ये प्रेशर उंगली से दबा के रखना है। 2 या 3 दिन में ये जो बिंदु है जहाँ पे हमको शुरुआत में प्रेशर करते वक्त दर्द का एहसास होता था वो दर्द चले जाएगा, यहाँ का दर्द चले गया यानी समझने का हमारी लीवर का जो भी तकलीफ है वो दूर हो गया और शरीर में से जो भी विद्युत प्रवाह लीवर तक नहीं पहुँचता था वहाँ पहुँच के हमारे शरीर की बीमारी को ठीक किया और शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त हो गया है। अभी हम जानेंगे एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति के फायदे। पहला फायदा तो यह है कि प्रतिकार शक्ति हमारे शरीर की बढ़ती है यानी एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति से रोगों को होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। यानी अगर रेगुलर आप करेंगे तो शरीर में बीमारी ही नहीं आएगी। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकार शक्ति शरीर की जो है वो बढ़ती है जिससे रोगों के सामने हमने रक्षण मिलता है। अगर कोई समझो जीवाणु बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश भी करते हैं तो उसको शरीर में 24 घंटे में उसका नष्ट करके शरीर से बाहर फेंक के शरीर को स्वस्थ रखती है एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति। कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में हमारा चैतन्य शक्ति का विद्युत प्रवाह है वो शरीर में सभी जगह से बराबर घूमता है जिसकी वजह से हमारे टॉक्सिन्स समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा फायदा ये है कि हमको निदान तुरंत मिल जाता है। डेली हम जब एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि कौन से अवयव में हमारी तकलीफ है। समझो आज हमने ये हाथ के पंजों में सभी बिंदु पे उपचार किया और उपचार करने के बाद में आपके एक भी बिंदु में दर्द नहीं हुआ तो समझ लेना कि हमारा शरीर फिट और फाइन है, कोई भी शरीर में तकलीफ नहीं है, कोई भी अवयव से संबंधित शरीर में तकलीफ खड़ी नहीं हो रही। लेकिन दूसरे दिन जब आप हाथ के पंजों पे एक्यूप्रेशर का उपचार करते हो वहाँ पे निश्चित कोई बिंदुओं पे दर्द का एहसास होता है तो समझ लेना कि उस अवयव संबंधित हमारे शरीर में थोड़े समय पहले ही कुछ ना कुछ टॉक्सिन हवा से, खाने से या पानी से हमारे शरीर में प्रवेश किया है जिसकी वजह से उस अवयव का कार्यक्षमता कम हुआ है और बीमारी होने की संभावना है। तो जो बिंदु पे आपको दर्द एहसास होगा उस बिंदु से संबंधित अवयव का आपको बीमारी का इलाज करना आसान हो जाता है। आप खुद तुरंत ही निदान हो जाता है कि हमको क्या बीमारी है और कौन से शरीर के अवयव में वो बीमारी खड़ी होने की संभावना है। तो बीमारी बड़ी फैलने से पहले ही हम बीमारी का इलाज करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा फायदा इसका यही है कि हम विदाउट मेडिकल चेकअप हमारे शरीर में क्या तकलीफ है उसकी जानकारी हम खुद ले सकते हैं। आज की तारीख में मेडिकल का चेकअप करने का, रिपोर्ट निकालने का बहुत सारा खर्चा समय समय पर लोगों को करना पड़ता है और आर्थिक दृष्टि से उसके परिवार को बहुत कुछ भुगतान करना पड़ता है, जिसमें आप खुद का ही अगर एक्यूप्रेशर पद्धति का डेली इलाज उपचार करोगे तो बिंदु में कौन से दर्द है वो समझ के हमारे अवयव से संबंधित बीमारी का तुरंत ही हमारा मेडिकल चेकअप हो जाता है और उससे संबंधित हमारा
इलाज हम खुद तुरंत शुरू कर सकते हैं, जिससे बीमारी बढ़ती नहीं और हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है। तीसरा फायदा इसका क्या है कि अगर समझो हमको निदान पता चला कि क्या बीमारी है, तो उसका हम खुद एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति से ही उस बीमारी का इलाज दूर कर सकते हैं। जैसे पहले भी बताया कि 23 नंबर का ही बिंदु है लीवर से संबंधित, और लीवर से संबंधित कोई तकलीफ हमें खड़ी होने वाली है तो यहाँ पे दर्द होगा, तो यहाँ पे और कोई उपचार नहीं करेंगे, यहाँ पे दर्द जो यहाँ पे हो रहा है पहले नहीं था अभी है, तो यहाँ पे ही उपचार करेंगे तो यहाँ दुखना बंद हो जाएगा, यानी हमारा लीवर का जो तकलीफ था वो दूर हो गया, यानी हमारा जो शरीर में बीमारी आया था उस बीमारी को हमारे बिगर कोई दवाई और बिगर कोई उपचार किए बिगर सिर्फ एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर प्रेशर देके हमारी बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसमें एक बात जरूर जान लें कि जब भी एक्यूप्रेशर चिकित्सा से उपचार करते वक्त रोग की उग्रता बढ़े तो समझना कि इलाज की असर बरोबर हो रही है, यानी हम जो इलाज कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। इस उपचार पद्धति से कुदरती रोगों को विषैले तत्वों को शरीर में से बाहर फेंक कर शरीर तंदुरुस्त स्वस्थ बनाता है। जूना जमा हुआ रोग होगा तो 8 से 10 दिन में ही राहत मिलेगी और उपचार चालू रखने से बीमारी जड़ मूड़ से निकल जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारी बीमारी जो भी रहेगी वो जड़ मूड़ से ही नष्ट हो जाती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के लिए शारीरिक स्थिति और मर्यादा क्या होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी ले लो। इस पद्धति को सोते बैठे बैठे खड़े रहकर या चलते फिरते जैसे ठीक लगे वैसे उपचार में ले सकते हैं। यह उपचार रोगी खुद भी कर सकता है या किसी की मदद से भी इसका उपचार करवा सकता है। अभी ये जो उपचार पद्धति है आप कोई भी समय पे चलते फिरते सोते सोते खड़े खड़े भी कर सकते हो। सिर्फ इसका एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप उपचार करें तो खाना या नाश्ता करने के बाद 1 घंटे तक न करें। 1 घंटे के बाद आप ये उपचार कर सकते हैं। जितना खाली पेट इसका उपचार करेंगे उतना जल्दी आपको बीमारी के इलाज में या तो शरीर स्वस्थ रखने में फ़ायदा मिलेगा और परिणाम भी अच्छे आते हैं। और इसकी मर्यादा कोई नहीं है, छोटा बच्चे से लेके वयस्कर वृद्ध व्यक्ति हर कोई इसकी उपचार पद्धति का लाभ उठा सकता है। किसका भी बीमारी कोई भी बीमारी हो उस बीमारी के ऊपर हम ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का उपयोग ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं और इसमें कोई दवाई खानी नहीं है। आप जो भी दवाई लेते रहेंगे वो दवाई चालू रखिए और ये उपचार पद्धति चालू कीजिए तो आपकी दवाई जो ले रहे हो उसका परिणाम भी जल्दी और अच्छा मिलेगा और आपकी दवाई जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगी, जिससे शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। क्योंकि जितनी बार आप दवाई लेंगे दवाई लेने के बाद में शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आती है, शरीर में आलस पैदा हो जाता है, स्फूर्ति कम हो जाती है। तो दवाई जितनी जल्दी बंद होगी उतनी शरीर की स्फूर्ति बढ़ेगी और स्वस्थ निरोगी रखने में हम अच्छी तरह से उसका कार्य कर सकते हैं। अभी एक्यूप्रेशर उपचार कब करना है, जैसा मैंने बताया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति में कोई साइड इफेक्ट है नहीं, सिर्फ खाना या नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद में उपचार करना है और जितना ज़्यादा खाली पेट रहेगा उतना अच्छा। कोई भी छोटा बड़ा रोग हो इस नैसर्गिक उपचार पद्धति से मिट जाता है। फिर भी 15 दिन तक उपचार करने के बाद 15% यानी 15% भी बीमारी में फर्क दिखाई न दे तो समझे कि शरीर के उस अवयव में ज़्यादा नुकसान हुआ है और यह सिर्फ एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति से नहीं मिटेगा। तभी नैसर्गिक उपचार पद्धतियाँ जो हमारे दाम के द्वारा आपको मार्गदर्शन में नॉलेज में वीडियो द्वारा प्राप्त कराई जाएगी वो सभी नैसर्गिक उपचार पद्धतियों का उपयोग करके बीमारी का इलाज करके जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। फिर भी अगर समझो जल्दी ठीक नहीं होता है, ये 1% भी नहीं 0.11% में ही ये तकलीफ होगी, जिसमें समझो पूरे जीवन भर में जिसने ज़्यादा मेडिकलाइज हॉस्पिटलाइज हुए हैं, ज़्यादा दवाइयाँ खाई है, जिसके शरीर में दवाइयों का प्रमाण ज़्यादा है, उसको बीमारी का इलाज होने में थोड़ा वक्त लगता है। बीमारी ठीक होती सभी का है, किसी का जल्दी होता है, किसी को देर लगती है। जिसको देर लगती है या बीमारी ज़्यादा है तो उसको थोड़े समय के लिए कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जो आहार लेते हैं खाना पीना करते हैं उसमें डाइट करना ज़रूरी है, कुछ व्यायाम करना ज़रूरी है और शरीर को निंद्रा जो आवश्यक है 8 से 10 घंटा
वो पूर्ति मिले उसका पूरा ध्यान रख के शरीर को जितना हो सके उतना आराम देके अगर नैसर्गिक उपचार पद्धतियों का सभी का उपयोग करेंगे तो बीमारी का इलाज जल्दी होता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से इलाज से होने वाली हानियाँ या साइड इफेक्ट। यह चिकित्सा प्रणाली एकदम सरल और प्रामाणिक है, इससे कोई हानि या नुकसान शरीर को नहीं होता और ना आज तक किसी को हुआ है। जिसने भी आजमाया है उसको फायदे ही मिले हैं, नुकसान या हानि की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह एक्यूप्रेशर चिकित्सा एक दिन के बच्चे से लेकर वृद्ध वयस्कर व्यक्ति तब सभी को दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रोज़ के रोज़ यह उपचार ले सकते हैं और हमारे जीवन को स्वस्थ तंदुरुस्त और प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने के लिए लायक बना सकते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का इलाज के लिए इस्तेमाल करने से अनुभव होगा कि बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। जैसे कि नंबर एक, सभी अवयव रिचार्ज होकर सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रित होती है, जिससे शरीर सही से काम करने लगता है और बीमारी आने की संभावनाएं कम हो जाती है। नंबर दो, रोज़ मुफ्त में मेडिकल चेकअप होता है और शरीर के किसी भी हिस्से या अवयव में गड़बड़ हुई है तो पता चलता है। नंबर तीन, किसी भी बीमारी का पता चलने के बाद खुद ही बीमारी का इलाज कर सकते हैं। नंबर चार, रोज़ उपचार करते रहने से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सर्दी खांसी सर दर्द आदि रोगों को मिटा सकते हैं। हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर पक्षाघात डायबिटीज़ कैंसर जैसे भयानक रोगों के सामने भी एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति नियमित उपयोग में लेने से रक्षण मिलता है। इस पद्धति की कुछ चेतावनी भी है, उसके बारे में भी जान लो। कभी कभी क्या होता है, बीमारी को जल्दी ठीक करने की लालच में ज़्यादा वक्त और दिन में ज़्यादा सख्त प्रेशर कुछ लोग दे देते हैं, यह सही नहीं है। ऐसा करने से स्विच बोर्ड को नुकसान होता है और इससे शरीर में और भी कमजोरी आएगी और ज़्यादा समय तक बिंदुओं पर प्रेशर देने से ज़्यादा विषैले तत्व टॉक्सिन्स किडनी में आते हैं, जिसे शरीर से बाहर फेंकने के लिए किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और किडनी को नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए बताए हुए वक्त और प्रेशर से ज़्यादा बार उपचार नहीं करना और जब भी बिंदुओं पर प्रेशर देकर इलाज करें तो अंत में बिंदु नंबर 26 किडनी पे 2 मिनट तक प्रेशर दे, दोनों हाथ के पंजों और पैर के तलवों में। किडनी का बिंदु जो चार्ट में है वो इधर मैं बताता हूँ, ये बीच में हाथ के बराबर बीच में 26 नंबर, यानी हमारा पूरा अंगूठे से हमारे पंजे में सेंटर में कवर होता है, ये पूरा 26 नंबर का बिंदु है। आप कोई भी उपचार करें उसके बाद में 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे प्रेशर देना है, यानी 100 से 200 बार गिनना है। आइए सेंटर में राइट हैंड में यहाँ पे सेंटर में है और लेफ्ट हैंड में यहाँ पे ये अंगूठा ऐसा लेके पूरा सेंटर में ऐसे दबाना है आपको। ये प्रेशर पद्धति है, इसको 1 से 100 बार गिने या 200 बार गिने, जिससे हमारा जो किडनी है, किडनी की जो कार्य करने की, क्योंकि विषैले टॉक्सिन्स जब शरीर से हम एक्यूप्रेशर उपचार करते हैं तो किडनी में जाते हैं, तो किडनी का कार्य जो बढ़ता है उसको हम लोग यहाँ पे प्रेशर देंगे तो उसके कार्य में उसको सपोर्ट मिलता है और टॉक्सिन्स जल्दी से बाहर निकलने में उसको सहाय रूप हम लोग बन जाते हैं। तो 26 नंबर का किडनी का जो बिंदु है उसमें कोई भी उपचार पद्धति करने के बाद में करना अनिवार्य है, ये हमारी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति में बाकी कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ जब भी उपचार पद्धति करो तो 26 नंबर पे लास्ट में 1 से 2 मिनट तक का उपचार करना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हमने जाना है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में साधारण रोगों का उपचार और नियम। अभी अगले वीडियोस में मैं हर एक अवयव के संबंधित जो बिंदुओं का चार्ट मैंने हाथ के पंजों में पैर के तलों में बताए थे उसमें कौन से अवयव कौन से बिंदु से संबंधित है उसके बारे में सेपरेट वीडियोस में बनाते रहूँगा, जिसमें एक्यूप्रेशर बिंदुओं पे प्रेशर देके भी उपचार किया कैसे जाता है और नैसर्गिक उपचार पद्धतियों के हिसाब से बाकी कोई भी अगर उपचार पद्धति लेनी है, जैसे हमारे समझो प्राथमिक उपचार पद्धतियों में मेरे जो आगे के वीडियोज़ रहेंगे कि हमारी घरेलू जो भी उपकरण है जो आसानी से हमारे किचन में हमको मिल सकते हैं उसका उपयोग करके भी हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं, उस यानी किचन में आसानी से मिलने वाले उपकरण के साथ एक्यूप्रेशर बिंदुओं का अगर हम समावेश करेंगे तो बीमारी का इलाज
जल्दी से होता है, उसके बारे में अलग अलग अवयव, अलग अलग बिंदु और अलग अलग बीमारियों के ऊपर मेरे अलग अलग वीडियोस रहेंगे। सब बीमारी के टाइटल और एक्यूप्रेशर बिंदु के अलग अलग रहेंगे, तो आपको जिस बीमारी के संबंधित जानकारी लेनी होगी उस बीमारी के संबंधित वो वीडियो का आप देखिए। और आपकी आपको अगर तकलीफ है, आपके परिवारजन में या आपके अड़ोस पड़ोस किसी को अगर तकलीफ है, उसको वो तकलीफ में दूर करने में, बीमारी का इलाज करने में आप सहाय रूप बन सके, वैसे ही मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ।